जय श्री कृष्णा दोस्तों 19 मई 2023 को हम आपको कुछ ऐसे महा उपाय बताने वाले हैं कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय ऐसे चमत्कारी उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो यदि आपने कर लिए तो आपके जीवन में इस तरह से बदलाव आ जाएगा कि आपने कभी कल्पना भी ना की हो दोस्तों 19 मई 2023 हजार तेईस ज्येष्ठ अमावस्या धन प्राप्ति उपाय यहाँ रखे एक रुपये का सिक्का आपके धन कमाने के सभी द्वार खुल जाएंगे होगी धन की वर्षा जीवन में आपको मिलेगी हर कष्ट से मुक्ति माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपको जीवन में सुख समृद्धि एवं मान सम्मान में वृद्धि होगी और हो जाओगे माला माल हमारे हिंदू धार्मिक ज्योतिष शास्त्र एवं पंचांग के अनुसार 19 मई 2023 शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ अमावस्या का दिन है इसी दिन शनि जयंती भी है प्रेमित्रों हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पूरे साल में सिर्फ ज्येष्ठ अमावस्या का ही दिन ऐसा शक्तिशाली होता है और इस दिन की गई पूजा साधना एवं क्रिया से आपको शनिदेव एवं माता लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं यदि अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाए तो आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद एवं उचित फल की प्राप्ति होती है हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार ये मान्यता है कि अमावस्या के दिन एक सुनहरा अवसर होता है जब माता लक्ष्मी का फलदायक आशीर्वाद एवं कृपा की प्राप्ति होती है और इस दिन की गई पूजा के उपरांत आपको आपके जीवन के हर कष्टों से मुक्ति मिल सकती है क्योंकि ये एक ऐसा दिन है इस दिन माता लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है तथा दूसरी तरफ ये माना जाता है कि यदि आप शनि जयंती के दिन आप मात्र एक रुपये के सिक्के का महा उपाय कर ले तो ना केवल आपके जीवन से समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है बल्कि यदि आपके जीवन में शनि दोष है साढ़े साथी है मंगल दोष है या फिर किसी भी प्रकार के दोष से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिसके कारण आपके जीवन में परेशानियां आ गई थी आपका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है तो आपको हर प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी परि मित्रों माना जाता है कि इसी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यदि आप कोई भी एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपको इसका फल तो मिलेगा ही साथ ही इस फल का लाभ आपको पूरे साल तक मिलता रहेगा अतः दोस्तों यदि आप इस दिन एक रुपये के सिक्के का उपाय शनिदेव के सामने कर लेते हैं तो आपके सारे ग्रह नक्षत्र आपका साथ देना शुरू कर देंगे इसके साथ ही आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर मांत्रिक तांत्रिक एवं पंडित ये सभी पूरे साल में सिर्फ इसी दिन का इंतज़ार करते हैं ऐसा कहा जाता है कि ये जितने भी लोग हैं वो जिस दिन अमावस्या एवं साथ ही शनि जयंती ये दोनों एक साथ होते हैं एक ही दिन तो इस दिन तंत्र मंत्र टोने टोट के आदि करते हैं इस मान्यता है कि अमावस्या के दिन की गई पूजा अर्चना उपाय टोना टोट का आदि महाफलदायक होता है और अमावस्या के दिन किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते हैं और इसका उचित फल मिलता ही है दोस्तों बस आपको सिर्फ एक रुपये के सिक्के का महा उपाय करना है जिससे आपके घर में धन की वर्षा तो होगी बल्कि इतना ही नहीं आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से भी आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी मान लीजिए आपका कोई बिजनेस था चलता चलता रुक गया आपके घर में धन का आना अचानक रुक गया आपने जो कर्ज लिया आप उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं ये सारी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद एवं उनकी असीम कृपा से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता इसके साथ ही एक रुपए के उपाय से भगवान शनि देव का आपको ऐसा फलदायक आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको शनि दोष से तो मुक्ति मिलेगी यदि आपका कोई शत्रु भी है तो वो भी आपके सामने दुम हिलाता घूमेगा और आपके सामने घुटने टेक देगा दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल तो अवश्य आया होगा कि आखिर एक रुपए के सिक्के से क्या होने वाला है और एक रुपए के सिक्के से ही क्यों तो सुनिए प्राचीन काल में जो पुरानी मुद्राएँ चलती थीं उसमें जो पहली मुद्रा होती थी उसे ही हर शुभ कार्य एवं पूजा पाठ में उपयोग में लिया जाता था और आपने शादी या कोई भी शुभ अवसर या मुहूर्त तो देखा होगा कि एक रुपए के सिक्के का बहुत उपयोग किया जाता है और इसलिए हमारे भारत देश की मुद्रा के तौर पर एक रुपये को पूजा पाठ आदि में ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इसी वजह से एक रुपये के सिक्के से उपाय किया जाता है ऐसा इसलिए है कि संसार की संपूर्ण ऊर्जा मात्र एक ही है और एक रुपये का सिक्का एक को ही दर्शाता है इसलिए एक रुपए के सिक्के का अधिक महत्व है अतः ऐसी पूजा से किया जाने वाला उपाय आपको अंत तक फल देने वाला होता है और आपने देखा भी होगा कि हर देवी देवताओं की पूजा में शादी में सभी एक रुपये के सिक्के का ही इस्तेमाल करते हैं और बिना एक रुपये के कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं माना जाता दोस्तों यदि देखा जाए तो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक रुपये के सिक्के का हर कार्य में उपयोग होता है और आपने ये भली भांति देखा भी होगा अतः दोस्तों एक रुपये के सिक्के का महा उपाय यदि आप 19 मई 2023 के दिन कर लेते हैं तो यकीनन आपको भगवान शनिदेव एवं माता लक्ष्मी का वो आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव एवं माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जय शनिदेव अवश्य लिखे ताकि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो और आपके संपूर्ण कष्टों को दूर करे अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले उपाय की तो ध्यान से सुनना और समझना कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए वरना इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे तो सबसे पहले बात करते हैं यदि आप पर साढ़े साथी ढैया शनि दोष आदि है तो इनसे मुक्ति पाने का महा उपाय अतः आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है यदि आपके ऊपर शनि दोष लगा हुआ है साढ़े साथी चल रही है तो इसे पूरी तरह तो खत्म नहीं किया जा सकता और यदि कोई दावा करते हैं तो वह सरासर झूठ है दोस्तों यदि भगवान शनि देव आप पर प्रसन्न हो जाए तो फिर कमाल हो सकता है ये मैं नहीं कहता ये हमारे धार्मिक ग्रंथों वेद पुराणों में भी अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि आप दोष साढ़े साथी को खत्म नहीं कर सकते मगर सनी देव के प्रकोप से बचा जा सकता है इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से ऐसे प्रकोप को खत्म कर दिया जाए तो वीडियो को पूरा एवं अंत तक जरूर देखें और आपको क्या करना है आपको एक काला कपड़ा लेना है उस काले कपड़े में इक्यावन काली मिर्च गिनकर रखना है साथ ही एक रुपए का एक सिक्का रखना है अब आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और पोटली का है काले धागे से बांधना है और आपको 19 मई 2023 वार शुक्रवार को ये उपाय करना है और ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है उससे पहले इस काली पोटली को अपने सर से अपने माथे से इक्यावन बार घुमाना है और आपको बाई ओर से दाहिनी ओर घुमाना है और इस पोटली को किसी भी शनि मंदिर के बाहर ले जाकर रख देना है या फिर कोई भिक्षुक बाहर बैठा है तो आप उसको दान कर सकते हैं ज़्यादा उत्तम रहेगा यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीनन आपके ऊपर से साढ़े सात ही सनी प्रकोप ना के बराबर हो जाएगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा दूसरा महा उपाय दोस्तों यदि आपके जीवन में धन की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है आप आर्थिक स्थिति से काफी कमजोर हो गए या फिर आपने कोई कर्ज लिया है और आप चाहते हैं कि इस कर्ज से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाए और आपके जीवन में धन का आगमन हो और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तो आपको एक रुपए का महा उपाय करना है और इसके लिए आपको क्या करना है सूर्यास्त के बाद एक पीतल की कटोरी लेनी है याद रखिए पीतल की ठीक है दूसरी नहीं लेनी है पीतल की कटोरी में एक रुपए का सिक्का रख देना है और कटोरी को गंगा जल से भर दे इसके बाद कटोरी को उठाकर आप अपने घर की छत पर ऐसी जगह रखें जहां पर खुला आकाश हो और सारे तारे जो रात को टिमटिमाते हैं उनकी दृष्टि उस कटोरी पर हो बस आपको इतना करना है उसके बाद बीस मई दो हजार को वो कटोरी उठा कर लानी है और एक रुपये के सिक्के को पानी से धो लेना है और इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख देना है या फिर आप जहाँ पर भी धन रखते हैं पैसा वगैरह रखते हैं आभूषण रखते हैं वहाँ पर आपको उसके दक्षिण दिशा की ओर रख देना है ये उपाय यदि आप 19 और 20 तारीख को कर लेते हैं तो यकीनन माता लक्ष्मी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो और इसके बाद आपके घर धन चुंबक की तरह खींचा चलाएगा चारों दिशाएं आपके लिए शुभ एवं फलदायक होगी आपके सारे कार्य अच्छे होने लगेंगे क्योंकि जो सिक्का आपने अमावस्या के दिन तारों की रात में रखा था उसमें वो ऊर्जा आ जाएगी जिसके प्रभाव से तारों की तरह आपका जीवन भी जगमगा उठेगा दोस्तों ये उपाय आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा है और राजा महाराजा भी ये उपाय किया करते थे दोस्तों यदि आपके जीवन में फालतू का खर्चा बढ़ गया है तो आपको क्या करना है मान लीजिए आप पैसा तो बहुत कमाते हैं और पैसा आता भी है परंतु वो पैसा फालतू के कार्यों में लग जाता है तो आपको एक साधारण सा उपाय करना है एक पीतल का कोई भी बर्तन ले लेना है पात्र ले लेना है और यदि आपके घर में पीतल का पात्र नहीं है तो मिट्टी का ले लीजिए और इस पात्र में ग्यारह लौंग और तीन कपूर रखना है ग्यारह लौंग और तीन कपूर रखना है मगर ध्यान रहे लौंग साबुत होने चाहिए टूटे फटे नहीं होने चाहिए फूल वाले होने चाहिए वो आपको ले लेना है और आपको सूर्यास्त के बाद इनको जलाना है और आपको आपके पूरे घर में इनका धुआं फैला देना है यानी धुआं दिखाना है यदि ये उपाय आपने कर लिया तो पूरे साल जो भी पैसा आप कमाएंगे वो रुकेगा और टेकेगा भी फालतू कार्यों में खर्चा नहीं होगा ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए दोस्तों माता लक्ष्मी और देव के इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है आगे आपकी मर्जी दोस्तों अगला महा उपाय हमारे धार्मिक ग्रंथों एवं शास्त्रों में साफ साफ लिखा है और आपने लोगों के द्वारा ये करते भी देखा होगा कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सात रोटी यदि काले कुत्ते को खिला दी जाए तो आपके ऊपर जो साढ़े साथी या शनि दोष है उसका प्रकोप ना के बराबर होता है और आपको सनी देव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है इसलिए आप 19 मई 2023 को सात रोटी अपने घर पर बनवाइए और सात रोटियों को किसी भी काले कुत्ते को खिला दे बस इतना आपको करना है आपको सनी देव की असीम कृपा प्राप्त होगी दोस्तों मान लीजिए आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है और आप चाहते हैं क्या आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए तो 19 मई 2023 को ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आपको अपने पुराने जूते या चप्पल जो भी आप पहनते हैं उसे ले जाकर चुपचाप किसी भी चौराहे पर छोड़कर आ जाना है यदि ऐसा करोगे तो आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए चला जाएगा और सौभाग्य का आगमन होगा और आप जो भी कार्य करेंगे जो भी निर्णय लेंगे उसमें आप जरूर सफलता पाओगे और यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे ग्रह आपका साथ दें आपके राहु केतु सदैव आपके साथ रहे और आपका साथ दें तो 19 मई 2023 के दिन एक सरसों के तेल का दीपक किसी भी पीपल के पेड़ के पास जलाना है और एक रुपये का सिक्का पीपल की पेड़ की जड़ों में रख कर चुपचाप चले आना है यदि ऐसा कर लिया तो आपके राहु केतु तो हमेशा आपका साथ देंगे और आप हमेशा उन्नति करेंगे दोस्तों सभी का भला हो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जय श्री कृष्णा राधे राधे